हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस वक्त हमारे साथ हैं। हरियाणा में वोटिंग जारी है सर, बीजेपी कह रही है तीसरी बार बीजेपी सरकार, जबकि कांग्रेस नारा दे रही है कि कांग्रेस आ रही है बीजेपी जा रही है। कांग्रेस को तो हरियाणा की जनता ऐसे ही उखाड़ के फेंकना चाह रही है जिस प्रकार से नशे के पौधों को उखाड़ के जलाया जाता है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे की जो सबसे बड़ी नशे की खेप पकड़ी गई है, उसके साथ तस्वीरें छपी हैं और उसके साथ उसके गहरे संबंध बताए जा रहे हैं, तो हरियाणा के लोग हरियाणा को नशे के सौदागरों के हाथ में कभी नहीं सौंपेंगे। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी एक मंच पर एकजुट लाते हैं और कांग्रेस एकजुटता के साथ कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, एकजुट है कांग्रेस। कांग्रेस एकजुट है तो राहुल गांधी जी को दोनों के क्रेन की तरह हाथ पकड़ के मिलाने की जरूरत क्या थी, अगर एकजुट है तो, और वो भी मंच के ऊपर। कांग्रेस करती कुछ और है, कहती कुछ और। अच्छा सर, कैसे आप देख रहे हैं जो वोटिंग चल रही है, क्या अब तक आपको लग रहा है, कैसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, अम्बाला छावनी का नतीजा निकल चुका और भारी मतों से मैं जीत चुका हूं और 8 तारीख को आप भी आना, आप भी हमारे जश्न में शामिल हो। तो 8 तारीख को क्या हम माने कि अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो सीएम पद पे जो दावा किया है आपका, अनिल विज भी सीएम हो सकते हैं? मैंने कभी दावा नहीं किया। जब 2014 में पहली बार सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर मोस्ट था और उससे 2009 से 2014 की प्लान में मैं विधायक दल का नेता था भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस के नाक में दम मैंने ही करा, सारे भ्रष्टाचार के केस मैंने ही उठाए थे, मैंने तब भी दावा नहीं करा। अब जब अदला बदली हुई, मनोहर लाल जी को हटा के नायब सैनी को बनाया गया, मैंने तब भी दावा नहीं करा। लेकिन उसके बाद सारे प्रदेश में एक चर्चा चली कि अगर इतना जूनियर आदमी सीएम बन सकता है तो फिर अनिल विज क्यों नहीं, और कुछ हमारे सियाने लोगों ने उसका उत्तर दिया कि हम तो बनाना चाहते हैं पर अनिल विज बनना ही नहीं चाहता। तो मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने तो पार्टी का आज तक किसी आदेश को मना नहीं करा। पार्टी अगर देगी आपको मौका तो आप तैयार हैं? पार्टी अगर मौका देगी तो आपके साथ अगली मुलाकात सीएम निवास पर होगी। तो अनिल विज कह रहे हैं कि अगर पार्टी मौका देगी तो अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी, एक बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है। चुनाव के ठीक जो चुनाव जारी है उसके दौरान में ये एक बड़ा बयान आया अनिल विज का, सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने सीएम की कुर्सी पर दावा किया है, अब पार्टी को तय करना है कि उनको जिम्मेदारी देनी है या नहीं, और सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। अम्बाला कैंट से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।